भगवान को केवल भक्ति से प्रेम है। भक्ति के द्वारा पुकारे जाने पर भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि, कोई नीच से नीच व्यक्ति पुकारे भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं। पंढरपुर में सब लोग दर्शन करने यहाँ वाले तो सब जाते ही होंगे, एकादि कोई होगा जो नहीं गया हो, सब तो गए ही होंगे। पंढरपुर में जब हम लोग महाद्वार से दर्शन करने जाते हैं तो बीच में एक समाधि पड़ती है, बगल में बिल्कुल मंदिर से सटी हुई। किसकी समाधि है? वो चोखा मेला भगवान के भक्त हुए, पंढरीनाथ भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे, निम्न वर्ण के थे, त्रैवर्णिक नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं था शरीर, निम्न वर्ण के थे, बड़े उपासक भगवान के, बहुत कीर्तन करते थे। जब वो कीर्तन करते थे तो भगवान पंढरीनाथ निकल निकल के बाहर आ जाते थे, तो वहाँ के जो ब्राह्मण पुजारी भगवान को डांटते भी थे, कहाँ जाते हो बाहर निकल निकल के, बाहर नहीं जाना, इधर ही रहना है, कैसे निकलते हो बाहर? ठाकुर जी वो भगवान पंढरीनाथ कोई मूर्ति नहीं है, जो मूर्ति समझे वो सबसे बड़ा गधा संसार का, वो साक्षात भगवान स्वयं विराजमान है। तो चोखा मेला एक बार उनको लगा दिया राजा ने किसी काम में, और एक भवन का निर्माण हो रहा था, बनाते बनाते वो दीवार गिरी, कई लोग मर गए बेचारे। अब कौन किसको करे, इनके घर वालों को भी किसी को कुछ पता नहीं, बेचारों का शरीर ऐसे ही फेंक दिया गया कोने में, और भी कई लोगों के शरीर थे, सब एक साथ उठा करके गड्ढे में कर दिया। कुछ समय बाद में श्री नामदेव जी महाराज आए, तीर्थयात्रा पर गए थे, घूम करके आए, तो बोले कि अरे वो आज चोखा मेला नहीं दिख रहे, क्या बात है, वो तो हमारे कीर्तन में आते थे। अरे महाराज ऐसे ऐसे बात हुई, वो दीवार गिरी, वो मर गए। अरे राम राम राम, उनका संस्कार, अरे उनका कौन करेगा महाराज? नहीं नहीं हम करेंगे। शिष्यों ने कहा महाराज अब करेंगे कैसे, अब शरीर तो बचा नहीं, हड्डियां पड़ी हैं सूख करके, अब हड्डियों से कैसे पहचानेंगे कौन है? तो श्री नामदेव जी महाराज ने कहा जिन हड्डियों को कान में लगाने पर विट्ठल 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 नाम संकीर्तन सुनाई पड़े वही चोखा मेला की अस्थियां हैं। मरने के बाद भी नाम उनमें से निकल रहा था। जाकर के बटोरा, कहा चलें चंद्रभागा पर संस्कार करें, भगवान पंढरीनाथ नामदेव जी को प्रकट होकर के बोले कि देखो ये मेरा बड़ा प्रिय भक्त है और ये मुझसे दूर जाए मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे मंदिर के द्वार पर ही इसको समाधि दो, ताकि जब भी मैं नेत्र खोलूं सबसे पहले इसका दर्शन मुझे हो। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल भक्ति के भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक निम्न वर्ण वाले को भगवान ने अपने मंदिर के जगह पर स्थान दिया, कोई कितना ही बड़ा संत महंत हो मंदिर के सामने कहीं समाधि दी जाती है, वहां भगवान ने चोखा मेला को रखा। आज भी हम लोग जाते हैं तो उनका दर्शन होता है, द्वार पे ही एकदम सीढ़ी पे ही बैठे रहते हैं, नामदेव जी वाली सीढ़ी है उधर ही बैठे रहते हैं, उनका तो मंदिर भी है छोटा सा। ये भक्ति की महिमा है।